हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एस मनी, आप सारे बच्चों का प्यारा सा फिजिक्स टीचर। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्स्ट्रा टर्म पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म चैप्टर का। कुछ एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ कि आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं ना, हम लोगों ने मैग्नेटिक डायपोल स्टडी कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना मेरे बच्चे जो कि छोटा छोटा टॉपिक है। जैसे पहले क्लास में मैंने क्या किया, मैग्नेट के बारे में नॉलेज दिया कि मैग्नेट वगैरह किया, तो बिल्कुल रिलेटेड टॉपिक था, तो उसे एक क्लास में खत्म किया। दो क्लास में मैग्नेटिक डायपोल खत्म हुआ कि कैसे क्या क्या, पूरा एक पूरा टॉपिक था, खत्म हुआ। लेकिन आज जो एक्स्ट्रा टर्म बोल रहे हैं ना, ये ऐसा टॉपिक है जिसका किसी से कोई रिलेशन नहीं है, या यूं बोलिए कि ना के बराबर रिलेशन है। मैं कह रहा हूं या यूं बोलिए कि रिलेशन ना के बराबर है, रिलेशन है ही नहीं। मतलब छोटा छोटा टर्म है, छोटा छोटा, और रिलेशन है भी तो भी हम लोग इसको अलग करके पढ़ते हैं। इसलिए मैंने नाम दिया एक्स्ट्रा टर्म, और चार पांच छोटा छोटा टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो सारे बच्चे आज के क्लास के लिए रेडी हो जाइए। रेडी है मेरे स्टूडेंट्स? क्या आप पढ़ने के लिए रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं स्टडी करने के लिए मुझसे? अगर रेडी है तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। जल्दी से, और स्टार्ट कीजिए मेरे लॉयन एक्स्ट्रा टर्म ऑफ मैग्नेटिज्म। और सबसे पहले थोड़ा सा फिर से मैग्नेटिक डायपोल में चलते हैं। थोड़ा सा मुझे एक बात पहले बताइए, सबसे पहले कि मैं आपको पढ़ाया था मैग्नेटिक डायपोल, क्या पढ़ाया था उसमें, क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल? अगर आपसे एक शब्द में पूछे कि मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है तो क्या बोलिएगा? जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल इक्वल और प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन होता है, वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल हमारा इक्वल नॉर्थ और साउथ का कॉम्बिनेशन होता है। यही ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कि जो मैग्नेट में हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसका पोल स्ट्रेंथ सेम होना चाहिए। पोल स्ट्रेंथ या दो कोई भी मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ और साउथ अपोजिट नेचर का पोल होना चाहिए, और दोनों का पोल स्ट्रेंथ सेम होना चाहिए, मजबूती सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक डायपोल। लेकिन मैंने एग्जांपल में क्या बताया था, आपको याद आ रहा है हल्का फल्का? मैंने कहा था आपसे कि कोई भी मैग्नेट जो है उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पोल होता है। याद आ रहा है काम चलाने भर? मैं फिर से कर रहा हूं, कोई भी मैग्नेट है तो उसमें नॉर्थ पोल भी होता है एज वेल एज हमारा साउथ पोल भी होता है। और नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर दोनों के दोनों पोल है, दोनों का मजबूती भी सेम होता है, ध्रुव प्रबलता भी सेम होता है, पोल स्ट्रेंथ भी सेम होता है, तो हरेक बार मैग्नेट अपने आप में एक मैग्नेटिक डायपोल है। और यही नहीं, मैंने कहा था कि जो मैग्नेटिक निडल होता है, मैग्नेटिक कंपास होता है, यह भी अपने आप में एक मैग्नेटिक डायपोल है। साथ साथ में जो सोलेनोइड है, सोलेनोइड जो पढ़े हैं पीछे, तो जो सोलेनोइड है इसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, ये भी अपने आप में, और नॉर्थ साउथ पोल तो होता ही है, दोनों की मजबूती भी सेम होती है, तो ये भी अपने आप में मैग्नेटिक डायपोल होता है, वो तो जानते हैं। साथ साथ में मैंने कहा था कि अगर किसी लूप में, मान लीजिए ये हमारा कोई लूप है, सर्कुलर लूप है जिसमें करंट बह रहा है, ये देखिए ये हमारा सर्कुलर लूप है जिसमें करंट बह रहा है, ये देखिए करंट बह रहा है, ये लूप है बच्चे जिसमें हमारा करंट भरा, ये देखिए लूप है जिसमें हमारा करंट बह रहा है। तो अगर इस लूप में हमारा करंट बह रहा है मेरे बच्चे, तो ये भी अपने आप में एक मैग्नेटिक डायपोल होगा। हाँ, और मैं लिखाया भी था आपको, और मैं कहा भी था कि आगे जाके पढ़ाऊंगा, और आज पढ़ा रहा हूं आपको। मैंने बोला कि कोई हमारे पास लूप है, सर्कुलर लूप है या फिर रेक्टेंगुलर लूप है, मैंने एग्जाम्पल में सर्कुलर लिया है, तो इसमें अगर करंट बहेगा तो यह भी अपने आप में एक मैग्नेटिक डायपोल होगा। इसीलिए ना, क्योंकि देखिए इसमें करंट बह रहा है, मैग्नेटिक डायपोल के लिए क्या चाहिए? मैग्नेटिक डायपोल के लिए बेसिकली क्या चाहिए? मैग्नेटिक डायपोल के लिए चाहिए कि दो पोल हो, नॉर्थ साउथ, इक्वल मजबूती का, देखते हैं कि इसके पास है कि नहीं। तो अगर मैं ये करूं बच्चे कि मान लीजिए इसमें करंट बह रहा है ऐसे करके, इधर से करंट ऐसे जा रहा है, इधर से करंट जा रहा है, तो आपको पता होगा कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकालने का एक तो हम लोग थंब रूल लगाते हैं, या प्लेन के लिए एक रूल और लगाते हैं कि करंट ऐसे बढ़ा, ध्यान दीजिएगा ऐसे ऐसे ऐसे, सही बोल रहा हूं ना, मैंने जो फिगर ड्रॉ किया उसके अकॉर्डिंग ऐसे, ओके। तो हम लोग इस अंगुली को अगर ऐसे घुमाएंगे प्लेन में, अगर करंट के सेंस में, बाकी दाहिने हाथ के चार उंगली घुमाएंगे तो अंगूठा ऊपर आएगा, यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमारा ऊपर निकलेगा, अंदर से ऐसे निकलेगा, ऐसे आएगा, आपको पता होगा, इसे हम पढ़ा चुके हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम्म,
ये देखिए बच्चे, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? और ऐसे नहीं, और भी चीजें ये देखिए, ये मैं सब पढ़ा चुका हूं कि ऐसे करके मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलता है, सब आप पीछे का क्लास याद करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। ये देखिए, ये देखिए, याद आ रहा हल्का फल्का? काम चलाने भर हल्का फल्का याद आ रहा है मेरे बच्चे कि सच में इस तरह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का शेप होता है? याद कीजिए हल्का फल्का, मैं बताया भी था कि प्लेन के, मैं ऐसे करके फिगर ड्रॉ किया था, मेरे ख्याल से ऐसे भी ड्रॉ किया था, ऐसे भी ड्रॉ किया था, और साथ साथ में ऐसे भी ड्रॉ किया था, साथ साथ में ऐसे भी ड्रॉ किया था, ऐसे भी और ऐसे भी, ओके। तो मुझे यह बताइए कि अगर इससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस साइड से निकल रहा है और इस साइड से इंटर कर रहा है, तो आपको नहीं लग रहा कि प्लेन का इस फिगर के अकॉर्डिंग जो ऊपर वाला पार्ट है वो नॉर्थ पोल का काम करेगा? जिधर से चुंबक में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलता है वो इंड नॉर्थ पोल का काम करता है, नॉर्थ पोल होता है ना, तो ये भी एक तरीके से मैग्नेटिक डायपोल के जैसा काम कर रहा है, और इसका ये वाला इंड नॉर्थ पोल का काम करेगा, ऊपर वाला और नीचे वाला। और सच कहूं तो अगर किसी लूप में हम लोग करंट बहाते हैं तो वो सच में अपने आप में एक मैग्नेटिक डायपोल होता है, सच में, मतलब एक तरीके से चुंबक का काम करेगा जिसका नॉर्थ पोल हमारा ऊपर और नीचे साउथ पोल है, ओके। लेकिन 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 चुंबक के केस में तो बड़ा आसानी से बोल देते थे कि डायपोल है इक्वल नॉर्थ पोल साउथ पोल, पोल स्ट्रेंथ भी सेम है, तो डायपोल मोमेंट होगा पोल स्ट्रेंथ गुना पोल के बीच का डिस्टेंस, डायपोल मोमेंट होगा पोल स्ट्रेंथ गुना पोल के बीच का डिस्टेंस, बड़ा आसानी से हंसते हंसते बोल देते थे, ओके। लेकिन लूप के लिए क्या करें? तो लूप का जो डाइपोल मोमेंट होता है ना बच्चे, देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली बोलिए या यूं बोलिए कि डिफाइन जो किया जाता है, वो करंट आई इंटू ए के इक्वल होता है। फिर से मैं कह रहा हूं, लूप के लिए जो डाइपोल मोमेंट होता है मेरे बच्चे, वो करंट मतलब आई, और इस लूप का एरिया आई इंटू ए के बराबर होता है। और मैं एक बार याद कीजिए, मैं एक बार बताया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के समय, थोड़ा सा ब्लर ब्लर जाइए तो थोड़ा सा नोट्स निकाल के चेक कीजिए, तो क्या मैं मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर के टाइम में बताया था जो क्वाइल घूम रहा था और उस पर लगने वाला टॉर्क आ गया था एन आई ए बी साइन थीटा। तो मैंने कहा था ये अगर एक टर्न है तो एन को अभी हटा दीजिए, एन टर्न के लिए एन, एक टर्न के लिए की रखिए, और टॉर्क आ गया था आई ए बी साइन थीटा, और मैंने चिल्ला कर बोला था कि आई इंटू ए को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, तो यहां से टॉर्क आ गया एम बी साइन थीटा, और आप इस एम बी साइन थीटा को एम क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉर्क को पी क्रॉस ही लिखते थे, यहां पे आप आई इंटू ए को एम बोलते हैं तो एम बी साइन थीटा। तो यही तो मैं कह रहा हूं, वहां भी मैं बताया था कि करंट कैरिंग कोई लूप होता है तो उसका डायपोल, वो भी एक डायपोल का काम करता है, लेकिन उस समय डायपोल नहीं पढ़े थे डिटेल में, तो मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं किया था, बस इतना कहा था कि लूप भी अपने आप में एक डायपोल का काम करता है, मतलब मैग्नेटिक डायपोल का काम करता है, और उसका डायपोल मोमेंट करंट इनटू एरिया के इक्वल होता है। उसमें मैं ज्यादा डिटेल बात नहीं किया था क्योंकि नहीं पढ़े, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि जब किसी लूप में करंट बहता है ना, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ऑब्वियस सी बात है अपने आप में एक मैग्नेटिक डायपोल होगा, और होता भी है, क्यों? क्योंकि इसके एक प्लेन से फील्ड निकल रहा है और एक प्लेन में इंटर कर रहा है, तो जिधर से निकल रहा है वो ऊपर वाला प्लेन काम करेगा नॉर्थ पोल का, और नीचे से जो प्लेन है वो एक तरीके से साउथ पोल का काम करेगा, तो ये जो लूप है एक तरीके से चुंबक के जैसा काम करेगा। लेकिन चुंबक में तो नॉर्थ साउथ के बीच का डिस्टेंस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक लेंथ, तो यहां डायपोल मोमेंट निकालने के लिए हम लोग पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक लेंथ करके, और हंसते ही और बन भी जाता है, लेकिन यहां क्या करें, इसमें तो मैग्नेटिक लेंथ की बात ही नहीं, तो बिल्कुल अपने आप में प्लेन है, तो यहां पे करंट इंटू एरिया लिया जाता है आई इंटू ए। क्या मेरे बच्चे ये बात याद रखेंगे, क्या माइंड में रखिएगा, सुनिए 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 सुनिए, हर एक बार मैग्नेट अपने आप में तो एक मैग्नेटिक डायपोल है ही, डायपोल मोमेंट जो होता है बार मैग्नेट का वो पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस तो होता ही है, और डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता था, एम्पियर मीटर स्क्वायर, याद कीजिए। और यहां से भी देख सकते हैं इसका जो डायपोल मोमेंट आई इनटू ए होगा तो आई का एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता ही है, आई का एम्पियर करंट का एम्पियर और इनटू एरिया तो एरिया का मीटर स्क्वायर, तो यहां भी एम्पियर मीटर स्क्वायर, यहां भी करते थे, यहां कैसे निकालते थे, यहां मैं बोलता था कि यहां जो होगा डायपोल मोमेंट एम उसका वैल्यू होगा पोल स्ट्रेंथ इनटू बीच का डिस्टेंस, तो पोल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है एम्पियर मीटर और डिस्टेंस का मीटर, तो यहां भी एम्पियर मीटर स्क्वायर।
भाई चाहे हम चुंबक के डाइपोल मोमेंट की बात करें, कैपिटल एम की बात, या फिर हम लूप के कैपिटल एम की बात करें, यूनिट तो सेम ही ना होना चाहिए, यूनिट तो सेम ही ना होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि उसका डाइपोल मोमेंट का अलग यूनिट, उसका डाइपोल मोमेंट का अलग यूनिट, वाह जी वाह, ऐसा थोड़ी होता है। क्वांटिटी अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से निकल सकते हैं, यूनिट तो सेम ही ना होगा। तो इसका भी एम्पियर मीटर स्क्वायर और इसका भी एम्पियर मीटर स्क्वायर, ओके। तो आप मेरे बात माइंड में रखिएगा, करंट कैरिंग लूप एक तरीके से अपने आप में मैग्नेटिक डायपोल के जैसा काम करता है, जिसका डायपोल मोमेंट करंट इनटू एरिया के इक्वल होता है। अब बात आता है कि सर डायपोल मोमेंट इसका चुंबक का साउथ से नॉर्थ पोल की ओर होता था, ठीक है। बोलिएगा कि सर डायपोल मोमेंट इसका किसका, चुंबक का, सर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होता था। एस मनीष सर, हाँ भाई सर, इसका डायपोल मोमेंट किधर से किधर डायरेक्शन में होगा, सर इसका डायपोल मोमेंट इसका, तो इसका भी वैसे ही होता है, देखिए इधर 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 की ओर, इधर की ओर नॉर्थ की ओर। कहने का मतलब कि करंट ऐसे बह रहा है, देखिए करंट ऐसे बह रहा है, ऐसे 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 इधर से ऐसे, इस फिगर के अकॉर्डिंग ऐसे बह रहा है ना, इधर से करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो जिस सेंस में करंट बह रहा उधर की ओर हम इस ऐसे घुमाएंगे, और जो अंगूठा आएगा ना, अंगूठा जो प्लेन पर परपेंडिकुलर है, जो प्लेन है, एक सेकंड देखिए मैं दिखाता हूं फिगर में, ये जो आपको प्लेन दिख रहा है, ये प्लेन तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर में हो जाएगा हमारा डायरेक्शन, किसका, प्लेन के परपेंडिकुलर में हमारा डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। क्लियर हो रही है मेरी बातें, आइडिया लग रही है, मेरी बातें लग रही होंगी। ऐसे करके करंट घूम रहा इधर से, तब ऐसे करेंगे तो इधर परपेंडिकुलर, ओके। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन वही हुआ एक तरीके से, ऐसे समझो साउथ से नॉर्थ इधर, या फिर बोलिए प्लेन के परपेंडिकुलर, लेकिन नीचे की ओर नहीं, नीचे की ओर नहीं, करंट ऐसे बह रहा है ऐसे, तो उधर की ओर ऐसे चार उंगली को घुमा देंगे, करंट इधर से ऐसे बह रहा है तो चार उंगली को ऐसे घुमा देंगे, जो अंगूठा आएगा उधर, अगर ऐसे बहता इधर से बहता तब नीचे आता, तब तो ऑब्वियस सी बात इधर से लाइन घुसता और बाहर से निकलता, तो इधर हो जाता नॉर्थ, ऊपर हो जाता साउथ। समझ में आ रही मेरी बातें, तो हेडिंग कर लीजिए, हेडिंग कीजिए, करेंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, करेंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल, कर लिए हेडिंग, करेंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, ओके। चलिए चलिए बच्चे, तो अब हम क्या करेंगे, सुनिए मेरी बात, ये तो आप समझ जाएगा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लूं, डिटेल बात कर लूं, फिर उसके बाद लिखा दूंगा आपको, कि ऐसा देखा जाता है ना, मैं बता ही दी आप लोगों को, पता भी है कि डायपोल मोमेंट लूप का होता है करंट इनटू एरिया, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल का स्ट्रेंथ की तो बात होगी नहीं, चुंबक तो है ना, कि नॉर्थ पोल साउथ पोल की मजबूती की बात होगी, स्ट्रेंथ की बात होगी, मजबूती की बात होगी, यहां तो करंट और एरिया, तो सिंपली करंट इनटू एरिया। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं कि ऐसे लिखा जाता है कि यह देखा गया है कि अगर किसी लूप में करंट बह रहा ना, अगर किसी लूप में, किसी भी लूप में, तो इसका डायपोल मोमेंट करंट का, आई का, और फिर एरिया का, दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो एम की वैल्यू होती है, एम की वैल्यू ये आई का भी प्रोपोर्शनल होता है, साथ साथ में एम का वैल्यू ए का भी प्रोपोर्शनल होता है। डायपोल मोमेंट स्मॉल एम नहीं, स्मॉल एम होता है हमारा पोलर स्ट्रेंथ, पोलर स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे, डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। तो डायपोल मोमेंट आपको पता है कि करंट का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वालिटी में बदलना चाहिएगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा, दोनों को एक साथ मिला दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि अधिक से अधिक क्या कीजिएगा, आई और ए को एक साथ मिला दीजिएगा, और आई ए को जब एक साथ मिला दीजिएगा, एक सेकंड, आई ए को जब एक साथ मिला दीजिएगा, तो आ जाएगा एम इज प्रोपोर्शनल टू आई इंटू ए, और आपको पता है कि हाँ इक्वालिटी लाएंगे तो कोई कांस्टेंट होगा आई इंटू ए, और के की वैल्यू यहां वन हो जाती है, के की वैल्यू वन, यहां यहां जो के की वैल्यू होती है वो वन हो जाती है, या डायरेक्ट एम इक्वल टू आई इंटू ए लिख सकते हैं, डायरेक्ट के की वैल्यू अगर वन लिख दीजिएगा, के की वैल्यू वन, बहुत बार हम लोग ऐसे यूज भी किए हैं, तो आई इंटू ए होगा। ये वो वाला के नहीं है, म्यू नॉट वाई फोर पाई वाला ये के नहीं है, एक अलग के ही आया है, वो तो ये सब एक्सपेरिमेंट से निकलता है, मैं पहले बता चुका हूं कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है, ओके। तो आई इंटू ए हो गया, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, पहले तो जो मैंने पढ़ाया उसे माइंड में रखना, क्या कि एस मनीष सर जब किसी लूप में करंट भरा तो अपने आप में वो एक मैग्नेटिक डायपोल है, समझने के लिए, तसल्ली देने के लिए बोल सकते हैं कि एक तरफ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है, एक तरफ से एंट्री कर रहा है, तो जैसे निकल रहा है वो नॉर्थ पोल का, जिधर एंट्री कर रहा है वो साउथ पोल का, तो हमारा ये मैग्नेटिक डायपोल हो गया। डायपोल मोमेंट कितना होगा इसका, वो चुंबक तो है नहीं कि पोलर स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बोल दे,
इसमें तो करंट और एरिया है, तो यहां पे करंट इंटू एरिया होता है लूप का एरिया, लूप का करंट इंटू लूप का एरिया होता है। ओके ठीक है, ये बात समझ गए आप? समझ गए सर? हाँ ठीक है। तो इसका डायपोल मोमेंट होता है करंट इंटू एरिया, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा डायपोल मोमेंट का? तो जिस सेंस में करंट बहेगा प्लेन पर, उधर ये चार अंगुली को घुमा लेंगे और जो डायरेक्शन होगा ना, जो डायरेक्शन होगा अंगूठा का, वही होगा डायपोल मोमेंट। या अब बहुत समझदार है तो ये भी बोलिए कि जिधर जिस प्लेन से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रहा है, देखिए इधर से नीचे से एंट्री कर रहा है, एंट्री कर रहा है, बोनी ऊपर से निकल रहा है, ऐसे करके जाएगा और ऐसे घुस करके बाहर निकलेगा। तो जिस प्लेन से निकल रहा है, मतलब जिधर की ओर निकल रहा है उधर की ओर, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसे निकालते थे ना, मैग्नेटिक फील्ड भी तो ऐसे निकालते थे ऊपर की ओर निकल रहा है जिधर, और साथ साथ में डायपोल मोमेंट भी उधर ही। ओके तो मेरी बातें समझ में आ गई। तो अभी मैं क्या करूंगा, सुनिए, हेडिंग आप लोग कर लिए, हेडिंग नहीं किए तो कीजिए, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। हेडिंग नहीं किए तो हेडिंग कर लीजिए, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। ओके, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। और अब क्या करना है आपको, पहले तो यह फिगर ड्रॉ करके ये लिखना है बगल में नॉर्थ साउथ, ताकि आइडिया लगे। फिगर ड्रॉ करके ये लिखना है बगल में नॉर्थ साउथ, और लूप के मैग्नेटिक डायपोल से रिलेटेड जितना भी पॉइंट्स है, इधर होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इधर मैं लिख देता हूं एम वेक्टर यहां पे। फिगर ड्रॉ करके लिखना, और मैंने क्या बोला कि लूप से रिलेटेड, लूप के मैग्नेटिक डायपोल से रिलेटेड जितना भी पॉइंट्स होगा, ये फिगर ड्रॉ करके पहले नोट कीजिए, नोट कीजिए, मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए। ओके कर लिए नोट? तो अब क्या करेंगे कि अभी मैं यहां से बोर्ड पर से साइड हटूंगा और इससे रिलेटेड सारा चीज लिखा हुआ आपको स्क्रीन पे दिखेगा, आपको चुपचाप समझ के नोट कर लेना, वही चीजें लिखी हुई जो मैंने समझाया, और आई होप कि आप जरूर नोट करोगे। ओके तो चलिए मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए जल्दी से। ओके कर लिया नोट मेरे बच्चे? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अब इस पे जरा हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, निकालिए अपना क्लास असाइनमेंट, क्या कह रहा है क्वेश्चन में भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक चार्ज क्यू है, वो आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे भी के स्पीड से घूम रहा है, भी वेलोसिटी भी स्पीड से घूम रहा है। ओके तो बताइए कि उस लूप से एसोसिएटेड डाइपोल मोमेंट कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुनिए मेरी बात फिर से, क्वेश्चन में कह रहा है मेरे बच्चे, क्वेश्चन में कह रहा है मेरे बच्चे कि हमारे पास एक लूप है, सर्कुलर पाथ है। ओके इसमें करंट घूम रहा है, करंट मतलब चार्ज घूम रहा है, चार्ज, रेडियस हमारा आर है और वेलोसिटी हमारा भी है, तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा? ऑब्वियस सी बात, जब इस लूप में मतलब सर्कुलर पाथ पे चार्ज घूम रहा है तो एक तरीके से यह बंद लूप हो गया, और चार्ज घूम रहा है तो कुछ ना कुछ इस लूप में करंट बह रहा है, क्योंकि करंट तो चार्ज का फ्लो ही होता है, चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि एक तरीके से समझ सकते हैं कि इस लूप में करंट फ्लो कर रहा है। लूप का अपना कुछ ना कुछ एरिया है, तो करंट हो गया, एरिया हो गया, तो डाइपोल मोमेंट भी होगा ना लूप के जैसा, आई इंटू ए जैसा भी हम लोग पढ़े थे। तो पहले तो हमको करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसके लिए, करंट की वैल्यू, तो पहले मैं निकालता हूं इलेक्ट्रिक करंट। ओके इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये बताइए, चार्ज बाय टाइम। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है मेरे बच्चे, चार्ज बाय टाइम। ओके तो चार्ज हो गया हमारा क्यू, और टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम 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 घूमने का टाइम, टाइम निकलेगा तब ना करंट निकालेंगे, ये सब हम लोग करंट में कर चुके हैं। क्वेश्चन से याद कीजिए कि ये कि कोई चार्ज अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है भी स्पीड से तो कितना करंट होगा, तो मैंने कहा था कि आगे के चैप्टर्स में भी यूज आएगा। तो चार्ज हमारा हो गया क्यू, घूमने का टाइम निकालना, एक चक्कर लगाने का टाइम, क्योंकि ये चार्ज यहां चलेगा फिर यहां से यहां जाएगा तो कितना देर लगेगा टाइम। तो देखिए आर रेडियस है, तो मुझे सबसे पहले यह बताइए कि एक चक्कर घूमने में डिस्टेंस कितना चलेगा, टू पाई आर, एक चक्कर घूमने में डिस्टेंस चलेगा ना टू पाई आर, तो आपको पता ना कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, आपको पता होगा कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ओके तो डिस्टेंस हो गया हमारा टू पाई आर मेरे बच्चे, डिस्टेंस हो गया हमारा टू पाई आर। ओके टू पाई आर या स्मॉलर टू स्मॉलर, और स्पीड है हमारा भी, तो ये निकल गया टाइम, बस टाइम निकल गया, तो इसको पुट कर लीजिए क्यू बाय टू पाई आर भी, यानी सॉल्व कीजिएगा तो करंट का वैल्यू आ जाएगा क्यू भी बाय टू पाई आर, क्यू भी बाय टू पाई आर। ओके क्यू भी बाय टू पाई आर, तो ये निकल गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट आई,
मैंने क्या नहीं बोला कि ये निकल गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट आई, और जब करंट आई निकल गया रेडियस दिया तो एरिया नहीं निकाल लेंगे क्या? तो अगर हम लोग निकालें इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बड़ा इजी है जी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम लोग एम बोलते हैं, तो कितना होता है आई इंटू ए, हो गया आई इंटू ए, आई आप लोगों ने अभी निकाला क्यू भी बाई टू पाई आर, और एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, बस जो भी जहां बड़ा छोटा कर लीजिए, तो पाई से तो पहले पाई मर गया, एक आर से एक आर मर गया, तो कितना आ गया क्यू भी आर बाई टू, बस यही हो गया क्यू भी आर बाई टू, हो गया डाइपोल मोमेंट क्यू का वैल्यू, या तो आप इसे रट लीजिए क्यू भी आर बाई टू, क्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, स्पीड दिया रहेगा, रेडियस दिया रहेगा, टू से डिवाइड कर दिएगा गुना करके, और नहीं तो निकाल लीजिएगा, वो तो आपके स्ट्रेंथ और आपके काबिलियत पर डिपेंड करती है ना, कि या तो रख लीजिए कि चार्ज क्यूब घूम रहा है भी स्पीड से आर रेडियस में, तो डायपोल मोमेंट क्यू भी आर बाई टू होगा, और नहीं तो निकाल लीजिएगा। मैं तो हमेशा निकालता हूं, मैं तो करंट पहले निकालता हूं चार्ज बाई टाइम करके, टाइम निकालता हूं डिस्टेंस बाई स्पीड करके, यहां रख देता हूं टाइम का वैल्यू, वहां से निकल जाता है करंट, और करंट इंटू एरिया कर देता हूं तो निकल जाता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्यू भी आर बाई टू। लेकिन आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रट सकते हो। ओके अच्छा, उसके एक और बताइए कि अगर कोई न्यूक्लियस है, मतलब एटम का न्यूक्लियस है, सुनिएगा मेरी बात, और उसमें ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है भी वेलोसिटी से आर रेडियस में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, क्या लगता है आपको? मैं फिर से बोल रहा हूं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है वो भी स्पीड से आर रेडियस में घूम रहा है, रेडियस में टक 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 टक, इसका डाइपोल मोमेंट क्या लगता है आपको? बस इतना होगा कि चार्ज क्यू है, उसके जगह पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई हो जाएगा, स्पीड सेम, रेडियस सब वही सेम रहेगा, यहां ई आ जाएगा तो ई भी आर बाई टू होगा, क्यू के जगह पर बस इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख देंगे, यहां हो सकता है चार्ज दो कूलम चार कूलम, इलेक्ट्रॉन दे दिया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 न्यूमेरिकल वैल्यू में बोलिए, या सैम्बल से हम लोग स्मॉल इश्यू दिखाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट में घूम रहा है आर रेडियस में, तो उस ऑर्बिट से एसोसिएटेड डायपोल मोमेंट पूछ देगा, जो कि पूछता भी है, ऑर्बिट से एसोसिएटेड डायपोल मोमेंट पूछेगा तो कितना हो जाएगा, ई भी आर बाई टू हो जाएगा, यही ना हो जाएगा ई वी आर बाई टू। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व लिख के नोट करके इस चीज को लिख भी लीजिए, नोट करके इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, पहले आप लोग नोट करके लिखिए, इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, इफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, पता नहीं स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा मिस्टेक होगा तो, अराउंड न्यूक्लियस, यहां लिख देता हूं, इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑर्बिट देन देन इट्स मैग्नेटिक देन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्बिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूम रहा था एक तरीके से करंट उसमें चल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो करंट का इक्विवेलेंट होगा ना, देन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम ऑफ ऑर्बिट इज ई भी आर बाय टू, बस ये भी लिख सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन करने के बाद नोट करके और यहां से यहां लिख लीजिएगा, लिखिए मैं साइड हटता हूं, लिखिए तो जल्दी से मैं साइड हटता हूं, कर लिए नोट मेरे स्टूडेंट्स? चलिए नोट कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप में बहुत बेस्ट बिल्डर नंबर वन। लेकिन 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 अब जब हम इलेक्ट्रॉन के डायपोल मोमेंट का बात, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का बात छेड़ ही दिए हैं, तो थोड़ा सा बोर मैग्नेट्रॉन के बारे में भी जान लेते हैं। बहुत सारा बुक्स में नहीं दिखेगा, लेकिन जितने भी स्टैंडर्ड्स बुक्स हैं एनसीईआरटी वगैरह उसमें आपको मिल जाएगा कि बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है। हाँ, मैं जानता हूं कि बोर मैग्नेट्रॉन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए, थोड़ा सा बोर्स का जो होता है ना वो पढ़ा होना चाहिए मॉडर्न फिजिक्स में। लेकिन नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं हल्का सा बता दूंगा, आप लोग पचा लीजिएगा जबरदस्ती कि हाँ ये होता है, ये मान लीजिएगा जबरदस्ती कि हाँ ऐसा होता है, थोड़ा सा एक पॉइंट बस काम हो जाएगा आपका, एक ही पॉइंट तो मानना पड़ता है। तो पढ़ रहे हैं तो हम लोग बोर मैग्नेट्रॉन के बारे में बात ही कर लेते हैं कि क्या होता है, पहले मैं समझा देता हूं, ठीक है, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है। ओके,
देखिए मुझे ये बताइए सबसे पहले, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये तो समझ में आया ना, आता है ना आप लोगों को, या फिर पता है ना आप लोगों को कि कोई भी एटम है उसका जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन चक 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 चक्कर काटता है। ये पता है ना जी कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट्स के चारों ओर, किसी भी ऑर्बिट्स के चारों ओर चक 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 चक्कर काटता है। सही बोल रहा हूं ना? हाँ या ना बताइए। तो इलेक्ट्रॉन चलता है टक 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 चक्कर काटता है, और अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है तो उसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है तो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा ना जी। हाँ कि ना जी? हाँ जी। कितना होता है EVr/2? ऑर्बिट का EVr/2 होगा, ये तो पता है आप लोग को। EVr/2 अभी ना देखे थे, EVr/2 फिर से प्रूव करना पड़ेगा क्या? चार्ज की जगह पर ही रख दीजिए ना, समझ में आ जाएगा। वैसे करके कर लीजिए ना EVr/2। चलिए ठीक है, आप समझ जाइएगा। तो बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है? सुनिए, हाइड्रोजन जो एटम होता है ना, क्योंकि बोर सर हाइड्रोजन के बारे में बहुत स्टडी किए थे, तो जो हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन आप लोग जानते होंगे उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होता है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा होता है, हाइड्रोजन एटम में, फिर से कर रहा हूं, हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में चक्कर काटेगा, किसी भी एटम के ऑर्बिट में चक्कर काट सकता है, उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। EVr/2 से आप निकाल सकते हो, भी अलग अलग ऑर्बिट का भी अलग अलग होगा, स्पीड अलग अलग होगा, रेडियस अलग अलग होगा, अलग अलग एटम में स्पीड अलग अलग होता है, रेडियस अलग अलग होता है, वो तो पढ़िएगा मॉडर्न में ये सब चीजें, तो वो पुट करके निकाल सकते हो। लेकिन बोर मैग्नेट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूमने वाले डायपोल मोमेंट को नहीं बोलते, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक की नहीं बात कर रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं कि बोर मैग्नेट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट में घूमने लगेगा तो उसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा, तो कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा उसको नहीं बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन, बल्कि बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं कि हाइड्रोजन जो एटम होता है उसके ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में, वैसे भी हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट में घूमता है, लेकिन फर्स्ट बोलना बहुत जरूरी होता है क्योंकि सेकंड में भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, आगे जाके पढ़िएगा। तो मैं क्या बोला सुनिए, हाइड्रोजन एटम मतलब एक एटॉमिक नंबर वाला एटम में पहला ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमता है टक 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 टक, तो उस समय जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। समझ में आया? फिर से बोल रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात, कि हाइड्रोजन एटम, सुनिए हाइड्रोजन एटम, ये तो आपको समझ में आया ना कि इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो एक तरीके से ऑर्बिट में ही घूम रहा है, तो ऑर्बिट भी अपने आप में एक लूप है ना, तो इलेक्ट्रॉन अगर एक लूप में ऐसे घूम रहा है टक 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 टक, तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, करंट इनटू एरिया से निकाल लिए EVr/2। तो अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस समय जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा उसको बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। समझ में आई फिर से बात? उसको एक नाम ही रखा गया है, समझ एक तरीके से क्या बोलता है उसको, मुकुट पहना दिया गया है, मुकुट। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? मैं क्या करूं, मैं कह रहा हूं एक तरीके से उसको मुकुट पहना दिया गया, ऐसे मुकुट कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जब तुम घूमोगे टक 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 टक, और उस समय जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा उसको बोल देंगे बोर मैग्नेट्रॉन। आइडिया लगा? चलिए लिख लीजिए, तब लिख लीजिए लिख लीजिए, उसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कुछ ना कुछ होगा ना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उसको बोलते हैं बोर मैग्नेट। घूमेगा तो किसी में, और किसी में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, तो किसी में घूमेगा और किसी में कुछ होगा तो उसको नहीं बोलते हैं। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा और उस समय जो होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसको बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। लिखिए बोर मैग्नेट्रॉन, BOHR बोर, हेडिंग कीजिए बोर मैग्नेट्रॉन एंड इट्स वैल्यू, बोर मैग्नेट्रॉन एंड इट्स वैल्यू, एंड इट्स वैल्यू, बोर WHOHR बोर, सॉरी BOHR, डब्ल्यू नहीं, BOHR बोर मैग्नेट्रॉन, MAGNETON मैग्नेट्रॉन, MAGNETON मैग्नेट्रॉन हो गया बोर मैग्नेट्रॉन एंड इट्स वैल्यू। हेडिंग कर लिए बोर मैग्नेट्रॉन एंड इट्स वैल्यू, तो लिखिए नीचे, नीचे लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विथ एन एटम, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विथ एन एटम,
ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिए. इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विथ, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विथ एन एटम. ठीक है, मोमेंट एसोसिएटेड विथ एन एटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन या मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो भी लिखिए, इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम. ओके, ऑर्बिटल मोशन मतलब वही जो ऑर्बिट में घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ऐसे भी घूमता है ना अपने एक्सिस पे ना, उसको स्पिन मोशन बोलते हैं. पता ना, जैसे कि हमारा पृथ्वी है, वो ऐसा नहीं कि पृथ्वी ऐसे चल रहा है, पृथ्वी अपने एक्सिस पे ऐसे घूमते 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 ऐसे घूम रहा है. तो अपने एक्सिस पे जो इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको बोलते हैं स्पिन मोशन, और जो ऑर्बिट में चारों ओर घूमता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन. तो ऑर्बिटल मोशन के कारण जो हो रहा है उसको कहा जा रहा है. ओके, और ऐसे भी हम लोग ऑर्बिटल मोशन के बारे में पढ़ते हैं. तो जरा मैं वैल्यू उसका निकाल लेता हूं. देखिए, सुनिए, अगर मान लीजिए कोई भी एटम है उससे मतलब नहीं, कोई भी जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, हमारा एटॉमिक नंबर जेड है, ओके, न्यूक्लियस का, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है. तो पहले मैं जनरल एटम की बात करता हूं, ओके. तो मैंने क्या बोला कि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है इलेक्ट्रॉन. तो पहले इसका आर रेडियस में भी स्पीड से, न्यूक्लियस के चारों ओर आर रेडियस में भी स्पीड से कोई इलेक्ट्रॉन हमारा चक्कर काट रहा है. तो पहले इसका हम डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, और आपको पता है कि ई भी आर बाई टू होगा, और रेडियस वेलोसिटी भी चार्ज से पर सिर्फ ही हो गया टी वी आर बाई टू. तो ये पहले निकाल लेते. ओके, तो अगर हम लोग निकालें करंट एसोसिएटेड, डायरेक्ट करते एसोसिएटेड विथ लूप, तो आपको पता है कि करंट अगर आई का वैल्यू निकालूंगा तो आई का वैल्यू क्या होता है, चार्ज बाई टाइम, चार्ज के जगह पर ही हुआ, टाइम के जगह पर पूरा घूमने का टाइम. और यह भी पता है कि पूरा घूमने का टाइम कितना होगा, 2πr/v, यही हो जाएगा ना, 2πr डिस्टेंस बाई भी. सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ई भी बाई 2πr. तो ये निकल गया हमारा करंट. ओके, इसलिए अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालें, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम, तो आपको पता है, आपको ही पता है, हमको भी पता, हम सबको पता है कि करंट इनटू एरिया होता है. करंट का वैल्यू ई भी बाई 2πr, एरिया का वैल्यू पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई मर गया, एक आर से एक आर मर गया, और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ई भी आर बाई 2. ये देखिए ई भी आर बाई 2. तो ये निकल गया हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, जिसकी वैल्यू हम लोग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ई भी आर बाई 2 के इक्वल. ओके, पता भी था, कोई बड़ी बात नहीं है. तो ये निकल गया. अब हमको एक उपाय, देखिए इसको तो नहीं बोलेंगे, इसको तो बोर मैग्नेटॉन नहीं बोलेंगे, इस मैग्नेटिक डायपोल के वैल्यू को नहीं बोलेंगे, बल्कि किसको बोलेंगे, हाइड्रोजन एटम के पहला ऑर्बिट में. तो आप एक काम कीजिए, हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड कितना होता है, भी बोर रख दीजिए, और रेडियस कितना होता है हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट का, बोर रख दीजिए. लेकिन मुझे पता है कि ऑलमोस्ट बच्चों को ये नहीं पता होगा, मुझे ये बातें अच्छे से पता है कि ऑलमोस्ट बच्चों को ये बात नहीं पता होगा कि कितना होता है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं वैल्यू रखेंगे, बल्कि थोड़ा सा दूसरे तरीके से रखेंगे. देखिए कुछ बातें भी जानने को मिलेगा, इतना तो आप जानते ही थे. अब हमको यही हाइड्रोजन एटम के पहले ऑर्बिट के लिए निकालना है. ओके, तो जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़िएगा तो एक दो पॉइंट पढ़िएगा. सबसे पहला पढ़िएगा, सुनिए, कि जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सुनिए मेरी बात, जब ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसे टक 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 टक, तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का कुछ न कुछ एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम जानते हैं ना, जब कोई बॉडी चलता है ये मास का भी स्पीड से, तो लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. याद है, जब कोई बॉडी ए मास का भी स्पीड से चलता है तो लीनियर मोमेंटम होता है एम इनटू भी मास इनटू स्पीड, टक 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 मास इनटू वेलोसिटी. लेकिन जब घूमता है ना कोई बॉडी आर रेडियस में,
तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम एक होता है, ये सब पढ़ेंगे होंगे क्लास 11th में, नहीं पढ़े तो सुन लीजिए क्या बोले कि जब कोई बॉडी, जब कोई वस्तु अगर घूमता है हमारा चारों तरफ टक 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 टक, तो घूमते हुए वस्तु का अपना एक एंगुलर मोमेंटम होता है, और कितना होता है वो, लीनियर मोमेंटम गुना रेडियस इक्वल, जैसे ये ए मास का इलेक्ट्रॉन होगा वी स्पीड से घूम रहा है तो लीनियर मोमेंटम तो एम इनटू वी होगा, और अगर उसी में आर से गुना कर देंगे, उसी में अगर आर से गुना कर देंगे तो वो निकल जाता है हमारा एंगुलर मोमेंटम, यानी एमवीआर, एमवीआर एंगुलर मोमेंटम। ओके, तब मॉडर्न में एक चीज पढ़िएगा कि एक मॉडर्न में बोर सर बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना वो एन गुना एच बाई टू पाई के बराबर, थोड़ा सा परेशानी होगा, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं आपको, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब पढ़ेंगे वहां पे मॉडर्न में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा इंटेंस ध्यान देना, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एन गुना एच बाई टू पाई होता है, कितना एन गुना एच बाई टू पाई, एन क्या है सर, एंगुलर मोमेंटम तो जान गए आप लोग, एमवीआर होता है, एमवीआर एम इंटू भी हो गया लीनियर मोमेंटम, कोई बॉडी चलता है तो उसके पास लीनियर मोमेंटम इंटू एम इंटू भी, रेडियस से गुना कर देंगे एंगुलर मोमेंटम, तो एमवीआर जो होगा एन गुना एच बाई टू पाई के इक्वल होगा, तो सबका मतलब एन तो जान रहे हैं मास हो गया इलेक्ट्रॉन का, भी हो गया वेलोसिटी स्पीड, आर हो गया रेडियस ऑर्बिट का रेडियस। ओके, एन क्या होता है, एन होता है ऑर्बिट का नंबर, जैसे ऐसा नहीं ना कि पहले में ही घूमेगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा तीसरा चौथा, बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं पहले ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम, सॉरी डायपोल मोमेंट को, बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं पहले ऑर्बिट में, हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का ये डायपोल मोमेंट को, लेकिन ये जरूरी ना कि इलेक्ट्रॉन पहले में घूमे, किसी में भी तो घूम सकता है ना, तो एन जो होता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट को बताता है, आप केमिस्ट्री में भी ये चीज सुने होंगे, और एच को बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, आगे जाके पढ़िएगा, टू तो टू हो गया, पाई तो पाई हो गया, तो ये क्या मेरे लिए याद रख सकते हैं, ये बात आप मेरे लिए ये बात अभी याद रख सकते हैं क्या, कि एस मनीषर जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एच बाई टू पाई, एच हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और पी वी इक्वल टू एनआरटी में आप पढ़े होंगे रियल गैस कांस्टेंट, अलग अलग तरीके से पढ़ते होंगे, आइडियल गैस कांस्टेंट ऐसे सुने होंगे ना, आइडियल गैस कांस्टेंट जो भी है, जो भी है छोड़िए ना, आइडियल जो भी है, तो मैंने क्या बोला आप लोगों से बच्चे, मैंने बोला आप लोगों से मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स कि एच जो हमारा है एच 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 ये प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, प्लैंक्स एक साइंटिस्ट का नाम था प्लांक, मैक्स प्लांक, तो उनके अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट होता है, कितना होता है वो बता देंगे, टू होता है पाई होता है, और ये तो ऑर्बिट का नंबर हो गया। ओके, तो हम क्या करेंगे सुनिए, कि जो डाइपोल मोमेंट आया है ना ईवीआर बाई टू, ईवीआर बाई टू इसको आगे थोड़ा बढ़ाएंगे, देखिए नाउ नाउ डाइपोल मोमेंट इक्वल टू आपको आया है एम इक्वल टू ईवीआर बाई टू, ओके ईवीआर बाई टू, तो एक काम करते हैं ऊपर नीचे अपने मन से मास और मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या फायदा होगा मास और मास से मल्टीप्लाई करने से, कि आ जाएगा एम वी आर। अब देखिए कहीं कैपिटल आर कहीं स्मॉल आर का बड़ा मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, कहीं कैपिटल का भी स्मॉल लिखा गया लेकिन सब आर रेडियस ही है, सब सेम ही लिखे हैं, अब लगता है सुधर गया। हाँ, तो मैंने बोला कि एम एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी नंबर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फायदा क्या हो गया कि एम भी आर मिलकर हो जाएगा एन एच बाई टू पाई। देखिए तो इसी को सॉल्व करेंगे अगर हम, तो एम ई को रखते हैं एक साथ और साथ में एम भी आर को रखते हैं, देखिए E को रखते एक साथ साथ में MVR को रखते नीचे में 2M रखते, ओके? और MVR आपको पता है कि कितना होता है NH by 2 pi, तो अगर इसी को अगर आगे बढ़ा दे तो डायपोल मोमेंट को दूसरे रूप में दूसरे तरीके से लिख दिया ताकि पुट करने में इजी हो, तो यहां से वैल्यू रख देंगे, वैल्यू लास्ट में बता भी देंगे कि आपको करना क्या, सुनिए मैं रखेंगे तो MVR का NH by 2 pi होगा, तो E हो गया E, MVR की वैल्यू NH by 2 pi MVR का वैल्यू और नीचे में 2M, तो ये निकल गया डाइपोल मोमेंट ए का वैल्यू कितना एन ई एच बाई फोर एम पाई, ये निकल गया डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, लेकिन फिर भी इसी को इसको भी नहीं बोलेंगे बोर मैग्नेटॉन, ये तो नॉर्मल हो गया, ये तो नॉर्मल हो गया, हमको किसके लिए निकालना है, हमको हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट के लिए निकालना है। ओके, तो पहले ऑर्बिट के लिए एन का वैल्यू वन रखेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले ऑर्बिट के लिए एन का वैल्यू कितना रखेंगे, एन का वैल्यू वन रखेंगे, ओके इनका वैल्यू वन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है ये 1.6 into 10 to the power minus 19,
एच का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.63 या 62 भी कुछ बुक में लिखा मिल जाएगा इंटू 10^-34। 4 पता इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता होगा 9.1 × 10^-31 केजी और पाई पता 22 × 3.14 और सब पुट कर देंगे तब निकल जाएगा बोर मैग्नेट्रॉनों से। ओके, इसलिए बोर मैग्नेट्रॉन जो आया बोर मैग्नेट्रॉन जो आया ओके मैग्नेट्रॉन या मैग्नेट्रॉन जो भी बोलिए जिसको हम लोग दिखाते हैं म्यू सैम्बल से, म्यू से नहीं दिखाते सिर्फ म्यू बी करके दिखाते हैं म्यू बी तो इसके लिए क्या हो जाएगा या से लिखते हैं फॉर बोर मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन क्या होता है आपको इतना क्रिटिकल नहीं करना है, मैं इजी बहुत कर दिया, देखिए ना कैसे बोर मैग्नेट्रॉन के लिए एर की वैल्यू बन रखेंगे फॉर बोर मैग्नेट्रॉन म्यू बी एन इक्वल टू वन बस कर दीजिए। तो जो बोर मैग्नेट्रॉन म्यू बी का वैल्यू आ गया कितना आ गया एन का वैल्यू 1, ई का वैल्यू सबको पता है 1.6 × 10^-19, एच का वैल्यू 6.63 × 10^-34 एसआई यूनिट में, 4f4 इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता है कि 9.1 × 10^-31 होता है, पाई का वैल्यू 22/7। जब सब पुट पार्ट कर दीजिएगा तो पुट पार्ट करने का के बाद वैल्यू आ जाएगा 9.27 × 10^-24 लगभग में 9.27 × 10^-24 वही एम्पियर मीटर स्क्वायर, यूनिट तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यानी बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू आ गई म्यू बी की वैल्यू कितना 9.27, यही तो आना चाहिए 9.27 × 10^-24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये देखिए आपके सामने रिजल्ट है। तो मेरे बच्चे सुनिए, जिनको समझ में आया तो समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट कर देता हूं, और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो इतना तो कम से कम पढ़ ही सकते हैं ना। पहली बात तो बहुत सारा बुक में दिखेगा भी नहीं और पूछता भी नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इतना तो आप लोग पढ़ ही सकते हैं ना कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, जैसे किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या ऑर्बिट में नहीं कहीं भी लूप में घूम रहा है, तो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, चार्ज घूम रहा है, तो करंट बह रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा इनटू एक इक्वल। तो मैं बोला कि हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना फर्स्ट ऑर्बिट में और उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा उसको बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन, सिंपल सी बात, उसका वैल्यू इतना रख लीजिएगा। अगर नहीं समझना तो समझ तो सुनिए, देखिए मैंने एक एटम ले लिया, कोई भी न्यूक्लियस ले लिया, ऐसे दिखा दिया जेड से न्यूक्लियस, उससे कोई मतलब नहीं जेड से, लेकिन दिखा दिया और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। हाँ, मैं कह रहा था मेरे स्टूडेंट्स कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है तो इसका कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा ही, कहीं भी घूमेगा तो, किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में कहीं भी कोई चार्ज भी अगर घूमता है तो उसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। लेकिन बोर मैग्नेट्रॉन किसको बोलते हैं? बोर मैग्नेट्रॉन हम लोग बोलते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में घूमे और उस समय जो उसका डायपोल मोमेंट होगा, चार्ज घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है चारों तरफ, तो उससे कुछ ना कुछ एसोसिएटेड करंट होगा, लूप है तो एरिया होगा, तो करंट इनटू एरिया करेंगे तो निकलेगा ना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैंने बोला कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का निकाला जाए तो उस टाइम पे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है उसको बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन, और वो इतना होता है, रख लीजिए। और समझना है तो ऑब्वियस सी बात, ये तो आप निकाल ही लीजिएगा, इतना तो आपसे आशा मैं कर ही सकता हूं कि आप चार्ज इलेक्ट्रॉन से करंट निकाल लीजिएगा, करंट में एरिया से गुणा कीजिएगा तो ये निकल जाएगा। लेकिन इसके बाद अब हमको ये हाइड्रोजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबके लिए हो गया, भी अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग ऑर्बिट का रेडियस अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमको इसको हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करना है। तो मैंने कहा आप लोगों से कि एक काम करो, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का स्पीड निकाल के रख दीजिए, जो कि आगे पढ़िएगा कैसे निकाला जाता है, जो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस भी रख दीजिए और पुट कर दीजिए, आंसर यही आ जाएगा। नहीं तो एक काम कीजिए, आगे जाके एक चीज पढ़ना है, बोर सर बताए हैं कि घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा ना, लीनियर मोमेंटम नहीं, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, एंगुलर मोमेंटम की बात करता हूं, मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस होता है एंगुलर मोमेंटम, तो जो एमवीआर होता है वो एन गुना एच बाई टू पाई के इक्वल होता है, यानी एच बाई टू पाई का मल्टीपल 1 × 2 × 3 × तो ये होता है एमवीआर इक्वल टू एन गुना एच बाई टू पाई, बस हो गया आपका काम, और क्या चाहिए, हो गया एमवीआर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं कि वैल्यू EVR by 2 आया, M से M into कर दीजिए और M से M into करने से MVR के रूप में सज गया और MVR का वैल्यू NH by 2 pi पुट कर दीजिए, MB का वैल्यू जो है हमारा NH by 2 pi रख दीजिए, MB का वैल्यू MVR का वैल्यू, बाकी सब सही, बाकी यहां से आ जाएगा तो N के टर्म में आ गया, बन रख दीजिए हाइड्रोजन के लिए, बन हो जाएगा, निकल गया हाइड्रोजन के लिए, बन रख दिया तो पहले ऑर्बिट के लिए, तो सबके लिए
तो पहले ऑर्बिट के लिए निकल गया हमारा, आइडिया लग गया मेरी बात, एन होता ऑर्बिट का नंबर, तो ऐसे करके निकाल सकते हो। ओके, तो मेरी बात समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों ने डिफिनेशन लिख के लिख लिया, आप लिखो वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटॉन, और इसको नीचे भी लिख लीजिए, वैल्यू ऑफ बोर मैग्नेटॉन लिख के और इसको लिखिए और यहां तक नोट कीजिए। फिर मैं साइड हटता हूं मेरे बच्चे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसको नोट कीजिए, फिर मैं साइड हटता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। नोट कीजिए जल्दी से, आराम से, आराम आराम से नोट करना है, घबराना नहीं है, अभी बहुत हम लोग को पढ़ना बाकी है। ओके, कर लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ना मेरे बच्चे, वो ये है ना कि हमारा जो सोलेनोइड होता है, सोलेनोइड वो एक तरीके से बार मैग्नेट के जैसा काम करता है, या यूं बोलिए कि बार मैग्नेट है वो सोलेनोइड के जैसा काम करता है। जो बोलना है वो बोलिए। देखिए कैसा मैं दिखाता हूं। देखिए सोलेनोइड तो आप लोग पढ़े ना, उसमें भी दो पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, सीधा होता है। ये पता है ना कि नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है और सीधा होता है। सोलेनोइड में ये बार मैग्नेट भी सेम चीजें होती है, वो भी सीधा होता है। ये देखिए, चलिए पूरे को साफ कर रहा हूं। ये देखिए, देख लेते हैं। हेडिंग कीजिए बच्चे, सोलेनोइड एज ए इक्विवेलेंट बार मैग्नेट, या ये भी लिख सकते हैं कि बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलेनोइड। वो तो आपके चॉइस पर डिपेंड करता है, जो लिखना चाहे। सोलेनोइड कैसा होता है ये बताइए, पहले बताइए मुझे जल्दी से, सोलेनोइड कैसा होता है? सीधा तार का लपेटा जिसमें करंट बहता है, याद आ रहा आपको हल्का फल्का? याद तो आ ही रहा होगा, पढ़ने वाले आप मेरे बच्चे, तो याद तो आपको आ ही रहा होगा कि सोलेनोइड सीधा होता है जिसमें करंट बहता है और वो चुंबक के जैसा काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए इसका लेंथ एल है, आपको पता भी होगा, और जिस एंड पे करंट हमारा एंटी क्लॉक वाइज बहता है वो नॉर्थ पोल का, दूसरा एंड साउथ पोल का, पता ही होगा। तो देखिए, तो और हम ये कह रहे हैं कि ये भी एक बार मैग्नेट के जैसा होता है। कैसे, समझिए, सुनिए मेरी बात। बार मैग्नेट में क्या होता है, वो भी सीधा होता है और उसमें भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, हाँ कि ना जी? इसमें भी होता है ना दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ओके, दो होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इसमें भी नॉर्थ से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड नाइन ऑफ फोर साउथ में जाता है, और इसमें भी आपको पता है कि एक एंड से निकलता है दूसरे में जाता है। तो कभी कभी सब्जेक्टिव मैथ से ही एंजॉय करना होता है, तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि कैसे बताएंगे कि सोलेनोइड और बार मैग्नेटिक दूसरे का इक्विवेलेंट है, मतलब दोनों एक ही चीज है, एक तरीके से एक चीज तो नहीं है लेकिन एक ही जैसा वर्क करता है। इसमें करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ये तो चुंबक है ही तो डेवलप होता है, तो कैसे बोलेंगे? देखिए मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए, ये जो हमारा दिख रहा है मेरे बच्चे सोलेनोइड का हर एक लपेटा सोलेनोइड का जो ऐसे करंट लपेटा गया ऐसे, तो ये हर एक लपेटा एक तरीके से लूप है, लूप। और अभी हम लोग क्या पढ़े कि हर एक करंट बहने वाला लूप एक तरीके से मैग्नेट का काम करता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का काम करता है। जितना भी लपेटा सोलेनोइड का टक फिर टक, तो जितना भी लपेटा यानी फेरा है, जो टर्न, हिंदी में बोलते हैं टर्न, इंग्लिश में बोलते हैं टर्न्स, तो जितना भी टर्न्स है सोलेनोइड में, ये अपने आप में एक मैग्नेटिक डायपोल होगा, यानी मैग्नेट होगा। मैं बता चुका हूं, हम लोग पढ़े पहले भी, अभी भी पढ़ रहे हैं, यानी इसको भी एक मैग्नेट, इसको भी मैग्नेट मान सकता हूं। तो अगर मानूंगा तो क्या आपको लगता है कि ऐसे बोलूंगा कि एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट, एक लपेटा मैग्नेट है जिसका इधर है हमारा नॉर्थ पोल, एक और एक साउथ पोल, फिर दूसरा लपेटा भी वैसे एक मैग्नेट है जिसका एक पोल है नॉर्थ पोल, एक पोल है साउथ पोल। ये देखिए बड़ा आसान है जी, बड़ा थोड़ा फिगर ड्रॉ करता हूं। ओके, ये देखिए, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल, फिर दूसरा लपेटा भी वैसे ही है, एक वैसे मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूं लपेटा के अकॉर्डिंग, लेकिन आप लोग बना सकते हैं,
ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तीसरा भी वैसे ही है, तीसरा लपेटा, ये देखिए तीसरा लपेटा ऐसा ही है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल। अगला लपेटा भी वैसे ही है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल। ओके, फिर अगला लपेटा भी वैसे ही है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। मतलब कहने का मतलब कि हरेक टर्न्स अपने आप में एक चुंबक के जैसा काम कर रहा है, और ये सारे चुंबक को मिला देंगे तो बन जाएगा हमारा बार मैग्नेट। आइडिया लगा? तो ये बस थियोरेटिकल चीज है कि बताइए, एक्सप्लेन कीजिए मुंह से बोलकर या लिखकर, बस समझाइए कि कैसे ये और ये दोनों सेम इक्विवेलेंट है। बस इतनी सी बात है, कोई बहुत बड़ी हार्ड चीज तो है नहीं, और आपको आइडिया भी लग रहा होगा। तो इसको आप लोग जो हेडिंग किए, तो मैं अभी हटूंगा, मैं यहां से अभी हटूंगा, और लिखा हुआ आपको जो मिलेगा, जो लिखा हुआ मिलेगा उसको नोट कर लीजिएगा। समझा तो मैंने दिया ही कि इसका हर एक टर्न अपने आप में चुंबक के जैसा काम करेगा, सबको मिला देंगे एक तरीके से, 12 मिनट आएगा और दोनों सेम ही रहता है, इसमें भी नॉर्थ से निकल के साउथ में जाता है, इसमें भी वही चीजें होती है, सेम तरीके से सारा चीज होता है। ओके, तो मैं हटूंगा, तो अभी आपको लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पर, पूरा नोट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए मैं साइड हुआ, लिखा हुआ आएगा, आपको नोट कीजिए जल्दी से नोट कीजिए मेरे बच्चे, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने नोट कर लिया। ओके, नोट कर लिए, वाह क्या बात है। अगर नोट कर लिए मेरे बच्चे, तब इसके बाद हम लोग अब थोड़ा सा गॉस थ्योरम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। सर यहां भी गॉस पढ़ना है? पढ़ना है, यहां भी गॉस पढ़ना है मेरे बच्चे, चिल्ला के आपके लिए कह रहा हूं कि यहां भी गॉस थ्योरम पढ़ना है। सुनिए मेरी बात, मैं फिर से चिल्ला के बोल रहा हूं, यहां भी गॉस थ्योरम पढ़ना है। साफ कर देता हूं इसे, तो इसे साफ कर दिया, और गॉस थ्योरम यहां भी पढ़ना है। हेडिंग कीजिए ना, पढ़ना तो है ही, सब पढ़ना है डिटेल में, बढ़िया से, सुंदर से, अच्छा से, कि कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो बन जाए, तो टेंशन क्या लेने का। हेडिंग कीजिए, चलिए हेडिंग कीजिए, हेडिंग आप कर सकते हैं गॉस थ्योरम के बारे में, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। गॉस थ्योरम में लिखिए, गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। ओके, हेडिंग कीजिए गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म, हो गया। अच्छा मुझे बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम क्या बोलता था, ये बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम क्या बोलता था, हल्का फल्का याद आ रहा है, हल्का फल्का क्या बोलता था गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम हमको ये बोलता था, सुनिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस थ्योरम बोलता था कि जो फ्लक्स होगा किसी भी बंद सरफेस से, बंद जो चारों तरफ से ऐसे बंद है, तो इससे जो फ्लक्स पास करेगा वो बंद चार्ज बाई एप्सिलॉन होगा। याद आ रहा हल्का फल्का, मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये बोलता था कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स किसी भी बंद सरफेस से पास करने वाला, वो बंद चार्ज बाई एप्सिलॉन होगा। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिखे थे, फ्लक्स को ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन, हल्का फल्का याद कीजिए, तो ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन कितना, क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन, ये लिखते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। यहां क्या लिखेंगे सुनिए, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और डीएस हो जाएगा एरिया के जगह पर, यहां भी डीएस हो जाएगा, लेकिन क्यू इनक्लोज्ड के जगह पर क्या लिखेंगे, जो बंद चार्ज था उसके जगह पर क्या आएगा बताइए, तो बंद पोल, पोल ही स्ट्रेंथ ना भाई, चार्ज के जगह पर पोल ही ना जगह लेता है, यहां पढ़े ना हम लोग, तो यहां पे आएगा बंद पोल, चुंबक का नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब सोचिए तो चार्ज तो हो सकता है प्लस माइनस अलग अलग, लेकिन अगर किसी भी चुंबक को बंद कीजिएगा तो आपको नहीं लगता है कि जितना नॉर्थ बंद होगा उतना साउथ, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितना प्लस उतना माइनस अगर बंद होता था तो इस समय क्यू इनक्लोज जीरो हो जाता था और यह वैल्यू जीरो आ जाता था। अगर क्यू इनक्लोज जीरो हो गया तो टोटल सॉल्व होकर जीरो आ गया, ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन जीरो आ जाता था। ओके, लेकिन क्यू इनक्लोज जरूरी नहीं था कि जीरो हो जाए, क्योंकि प्लस चार्ज अलग रहता है माइनस अलग रहता है, दोनों साथ साथ भी हो सकता है, लेकिन चुंबक में तो नॉर्थ साउथ साथ रहता है, चुंबक में नॉर्थ पोल और साउथ पोल साथ साथ रहता है ना, बोलता है ना कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, चुंबक का मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो चिल्ला चिल्ला कर बोलता है हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। तो सोचिए तो कि अगर चुंबक के साथ बंद पोल की बात करेंगे तो बंद पोल तो टोटल जीरो ना आ जाएगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और बंद पोल अगर जीरो होगा तो जीरो बाय एप्सिलॉन कर देंगे तो जीरो ना, म्यू नॉट जो भी करेंगे यहां जो भी होगा तो ये टर्म जीरो ना आ जाएगा, तो यहां पर टर्म जीरो आ जाता है। क्यों, चार्ज में जीरो क्यों नहीं होता था, क्योंकि प्लस माइनस अलग अलग हो सकता था, लेकिन कोई भी चुंबक को अगर हम बंद करेंगे सरफेस से
तो उसमें जितना नॉर्थ पोल उतना साउथ पोल होगा, और दोनों पोल्स मतलब सॉरी जो दोनों का दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों होगा, दोनों का मजबूती से अपोजिट हो गया एक, एक तरीके से प्लस माइनस जैसा, तो प्लस माइनस इक्वल अमाउंट का होता था। जैसे आपको बोल देंगे, सुनिए मेरी बात, मेरी बात आपको बोल देगा कि बंद सरफेस के अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल को बंद किया, इलेक्ट्रिक डायपोल को, तब इसकी वैल्यू कितनी होगी, फ्लक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो डायपोल को बंद कीजिएगा तो जितना प्लस उतना माइनस मिलके ये क्यू इनक्लोज जीरो, तो जीरो ना हो जाता है। बंद सरफेस के अंदर अगर डायपोल को बंद करेंगे तो जीरो हो जाएगा। सेम तरीके से यहां पर भी मेरे शेर, अगर चुंबक को बंद करेंगे, चार्ज के केस में ऑप्शन है कि प्लस को हटा दें, नहीं रखें प्लस को, इसको अलग कर दें, या माइनस को हटा दें, सिर्फ प्लस को रखें, चार्ज के केस में ऑप्शन है। लेकिन मैग्नेट के केस में तो नॉर्थ को साउथ होगा, तोड़िएगा भी चुंबक को तो नॉर्थ साउथ तो साथ रहना है, तो अगर साथ रखना है तो टोटल तो बंद पोल हमारा जीरो ना आ जाएगा, और आता है, और बंद पोल जीरो होगा तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यही होता है गॉस लॉ में, पर मैं लिखा देता हूं समझ में आ जाएगा, नोट कीजिए गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, आप नोट कर लीजिए मेरे बच्चे, मेरी बातें भी समझ में आपको अच्छे से आ जाएगी। ओके, लिखिए इसमें, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसको फ्लक्स भी पढ़ेंगे आगे जाके, इसको फ्लक्स ही बोला जाता है आगे जाके, हम लोग को पढ़ना है, बट अभी हम लोग फ्लक्स नहीं पढ़े, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं पढ़े, इसलिए इसको ऐसे बोल सकते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप लोग को हल्का फल्का याद होगा एम्पियर सर्किट लॉ में बी डॉट डीएल किए थे, याद रहा हल्का फल्का, और इसको नाम दिए थे लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ के रिस्पेक्ट में लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका नाम देंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो लिख लीजिए, अभी फ्लक्स भी इसको बोलते हैं, फ्लक्स बोल सकते हैं लेकिन अभी हम लोग नहीं बोलेंगे, नहीं पढ़े इसलिए। तो क्या लिखे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर ओवर ए क्लोज सरफेस, ओवर ए क्लोज सरफेस, जैसे वहां पे गॉस लॉ क्लोज सरफेस में लगता था, यहां भी लगता है। ओके, ओवर ए क्लोज सरफेस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। ओके, अब इससे देखिए दो तीन पॉइंट्स पता चलता है, कौन कौन सा पॉइंट्स पता चलता है ये बता रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट तो ये पता चलता है कि मैंने बोला कि इससे, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के टर्म में बोले, ये भी लिख लीजिए साथ साथ में, जो लिखे ना मैं समझाता हूं, गॉस लॉ लिखे ना तो उसके नीचे ये लिख लीजिए बी डॉट डीएस का इंटीग्रेशन जीरो। क्यों जीरो होगा मैं बता दिया आपको, डायपोल से समझा दिया कि नॉर्थ साउथ एक साथ अंदर बंद रहेगा, तो टोटल बंद पोल हम लोग जीरो बोल सकते हैं, जैसे टोटल बंद चार्ज जीरो बोलते हैं तो वैसे ही, तो इसको नोट कीजिए। अब इससे दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता, पहला कि अगर हम इसको फ्लक्स बोले, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि बंद सरफेस से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है, ओपन है तो होगा लेकिन अगर चारों ओर से वो बंद, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चारों ओर से नहीं जीरो होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बंद सरफेस से जीरो नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बोले तो बोल सकते हैं जीरो। ओके, तो चलिए इसके बाद लिखिए आगे, आगे लिखिए बच्चे, देखिए फॉलोइंग आर फ्यू रिजल्ट्स, फॉलोइंग आर फ्यू रिजल्ट्स फ्रॉम गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, देखिए फॉलोइंग आर फ्यू रिजल्ट्स, दो तीन को रिजल्ट लिखाएंगे, फ्यू रिजल्ट्स फ्रॉम गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ओके, सबसे पहला रिजल्ट लिखिए नंबर ए में। ओके, नंबर ए में द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, जो चारों ओर से बंद हो, स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, ये सब, थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। लिखें, चलिए लिखें नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सेकंड पॉइंट क्या कि जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, याद आ रहा है आप लोग हल्का फल्का, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का नंबर, जैसे कोई सरफेस से, ये सरफेस है हमारा, तो इससे कितना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा है उसको बोलते थे फ्लक्स, या कितना नंबर पास कर रहा है उसको, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो बंद सरफेस के लिए जीरो हो गया,
इसका मतलब ये कह सकते हैं कि किसी भी बंद सरफेस से जितना लाइन बाहर निकल रहा, लाइन मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ, यहां मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन के नंबर को बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के नंबर को बोलते थे, तो यहां क्या बोलेंगे किसी भी बंद सरफेस से जितना मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन निकल रहा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अंदर आ रहा होगा। ये देखिए जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर आ रहा होगा, जितना बाहर उतना अंदर, तभी तो टोटल फ्लक्स जीरो हो रहा है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी होता था ना कि कोई सरफेस ऐसे है इससे जितना इधर जा रहा है उतना अगर इधर जा रहा है तो फ्लक्स जीरो होता था, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन को तो ही बोलते थे, जितना अगर इसके अंदर बंद चार्ज जितना प्लस उतना माइनस है तो जितना बाहर निकलेगा उतना माइनस में आएगा, उतना माइनस में आएगा उतना बाहर निकलेगा, तो टोटल फ्लक्स जीरो होता था। तो वैसे यहां भी टोटल फ्लक्स जीरो, इसका मतलब जितना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर निकल रहा होगा उतना अंदर आ रहा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये भी लिख लीजिए, फ्लक्स पड़ेगा तो अच्छे से समझ पाइएगा। अगला पॉइंट लिखिए, इफ द नंबर ऑफ मैग्नेटिक, ओके, इफ ए नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर लिविंग, L-E-V-I-N-G, लिविंग मतलब बाहर निकलना छोड़ना, क्या लिखे, इफ ए नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर लिविंग, लिविंग लाइन्स आर लिविंग, ओके, लिविंग ए क्लोज सरफेस, इफ ए नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर लिविंग ए क्लोज सरफेस कॉमा एन इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइन मस्ट ऑल्सो बी इंटरिंग सरफेस। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनिए, इफ ए नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नंबर बी पॉइंट में लिखा रहा हूं, ए पॉइंट लिखा दिया रिजल्ट कि फ्लक्स जीरो होगा, बी पॉइंट में लिखा रहा हूं, इफ ए नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर लिविंग ए क्लोज सरफेस, क्लोज होना चाहिए, क्लोज, क्लोज के लिए जितना बाहर निकलता उतना अंदर आता है, जैसे भी हो इधर से घूम के आ रहा है तो इधर से भी कह सकते हो, इफ ए नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर लिविंग ए क्लोज सरफेस कॉमा एन इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइन, एन इक्वल नंबर ऑफ फील्ड लाइन मस्ट ऑल्सो बी इंटरिंग द सरफेस, मस्ट ऑल्सो बी इंटरिंग द सरफेस, जितना लिव कर रहा है उतना इंटर भी करेगा, ओके। और अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए कि अगर फ्लक्स जीरो आ रहा है इसका मतलब कि अंदर में टोटल चुंबक जो बंद है वो जीरो है, जैसे वहां टोटल चार्ज बोलते थे जीरो, यहां टोटल चुंबक जीरो बोल सकते हैं, तो टोटल चुंबक बंद जीरो, इसका मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। फ्लक्स जैसे कि चार्ज पेयर में एग्जिस्ट नहीं करता था, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो नहीं होता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा जीरो नहीं होता था, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स तो जीरो होता है ना, तो जीरो होता है इसका मतलब अंदर में जितना नॉर्थ पोल बंद है उतना साउथ पोल, और हमेशा ये चीज है, मतलब कि नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा साथ साथ रहता है, आप जानते भी कि नॉर्थ पोल हमेशा साउथ पोल पेयर में रहता है, काटेंगे तो भी नॉर्थ साउथ ही रहेगा, नॉर्थ साउथ साथ साथ रहेगा। तो लिखिए अगला, लिखिए अगला, अगला अगला पॉइंट थर्ड नंबर में, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डू नॉट एग्जिस्ट, इससे रिजल्ट निकलता है, आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल डू नॉट एग्जिस्ट, दैट इज आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, दैट इज मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन अनलाइक पेयर्स, अनलाइक मतलब उल्टा है, प्लस नॉर्थ साउथ, ओके, दैट इज मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट इन अनलाइक पेयर्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, दोनों का स्ट्रेंथ भी सेम होता है, ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, लिखे दैट इज मैग्नेटिक पोल्स एग्जिस्ट इन अनलाइक पेयर्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। क्लियर हो गया ये चीजें, ये चीजें क्लियर हुई मेरे बच्चे, ये चीज इतनी समझ में आ गई पूरा का पूरा कंप्लीट, और इसमें बहुत ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है स्टूडेंट, सिंपल सा तो बात है भाई, सिंपल सा बात होता कि जैसे वहां ई डॉट डीएस होता था क्यू इनक्लोज्ड बाय एफ सोलेनोइड, यहां क्यू इनक्लोज्ड के जगह पर हो जाएगा बंद चुंबक, और बंद चुंबक टोटल जीरो होता है क्योंकि नॉर्थ साउथ साथ होता है, इसलिए वैल्यू जीरो हो जाएगा, और वहां भी क्यू इनक्लोज होता था जीरो तो जीरो हो जाता था, लेकिन वहां जरूरी नहीं कि क्यू इनक्लोज जीरो हो, लेकिन यहां बंद चुंबक का जो पोल होगा वो तो जीरो हो जाएगा, ओके। और इसके बाद एक चीज और, आखिर कोई मटेरियल मैग्नेटाइज और कोई अनमैग्नेटाइज या नॉन मैग्नेटाइज क्यों होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई लोहा रखा हुआ है, तो आपको पता है कि लोहा वो चुंबक के जैसा काम नहीं करेगा, वो चुंबक नहीं है, लेकिन उस लोहा को अगर हम चुंबक के पास रखते हैं तो आपको पता होगा कि वो लोहा भी चुंबक के जैसा काम करने लगता है, मैग्नेट के जैसा काम करने लगता है, तो ऐसा क्यों,
क्यों आखिर कोई मटेरियल मैग्नेटाइज सिचुएशंस में होता है, अनमैग्नेटाइज्ड होता है, ऐसा मैग्नेटिज्म का वजह क्या है? और देखिए इसको मॉडर्न तरीके से डील किया जाता है, इसको दो तरीके से नाम दिया जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि कोई मटेरियल चुंबक के जैसा काम क्यों करता है, इसके पीछे का वजह जानते हैं, या फिर कोई चुंबक के जैसा काम क्यों नहीं करता, इसके पीछे का वजह जानते हैं। ओके, तो मैंने बोला मेरे बच्चे कि इसको दो नाम दिया जाता है। पहला तो बोला जाता है मॉडर्न व्यू अबाउट मैग्नेटिज्म, नाम एक ही है, मतलब दो तरीके से बोला जाता है, मॉडर्न व्यू अबाउट मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिज्म का मॉडर्न व्यू क्या है। दूसरा इसको कहा जाता है मेरे बच्चे एटॉमिक व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिज्म को एटॉमिक लेवल पे जाकर देखना कि आखिर क्यों है। देखिए मैं बताता हूं, सुनिए क्यों है, आप लोग हेडिंग कर लीजिए मॉडर्न व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म, हेडिंग कर लीजिए मॉडर्न व्यू, VIEW व्यू, मतलब मॉडर्न तरीके से समझना कि आखिर मैग्नेटिज्म होता क्यों है। तो मॉडर्न व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म या फिर एटॉमिक व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म, स्लैश देख लिख लीजिए एटॉमिक व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म। अब मैं आपको समझाता हूं कि आखिर क्यों मैग्नेटिज्म होता, समझिए मेरी बात को। देखिए जैसे यह तो पता होगा कि हर एक मटेरियल बना हुआ है एटम से, और हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, टक 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 चक 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 चक्कर काट रहा है, और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो अपने आप में एक मैग्नेटिक डायपोल यानी मैग्नेट का काम कर रहा है। अभी तो जहां पढ़े हैं हम लोग, अभी ना हम लोग पढ़े कि जैसे मान लीजिए ये हमारा पेन है या कोई भी मटेरियल है, लोहा है, तो इसलिए लोहा जो बना हुआ है वो एटम से, और एटम में तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो हर एक इलेक्ट्रॉन घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अपने आप में मैग्नेटिक डायपोल का काम कर रहा है ना, हर एक इलेक्ट्रॉन अपने आप में मैग्नेटिक डायपोल का काम कर रहा है ना। मेरी बातें समझ में आ रही है ना आपको, मैं क्या कह रहा हूं? यस सर समझ में आ रहा है, मेरी बातें समझ में आ रही है ना, मैं क्या कह रहा हूं? यस सर समझ में आ रहा है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन घूमते हुए अपने आप में अगर मैग्नेटिक डायपोल का काम कर रहा है, तो हर एक कोई भी मटेरियल लीजिएगा, लोहा लीजिए या कोई भी लीजिए, तो वो उसके अंदर अपने आप में तो मैग्नेटिक डायपोल है यानी मैग्नेट है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो तो अपने आप में मैग्नेट है। तो फिर बात यह उठती है कि सर अगर ऐसा है, नहीं बच्चे बोलते हैं कि सर सही में कह रहे हैं, बात तो बिल्कुल कमाल कह रहे हैं कि जितना भी एटम होगा अपने आप में मैग्नेट का काम करेगा। तो सर अगर अपने आप में मैग्नेट का काम कर रहा है सर, तो हर एक मटेरियल को मैग्नेट के जैसा काम करना चाहिए, तो ऐसा क्यों नहीं होता? लोहा पहले नहीं काम कर रहा होता मैग्नेट के जैसा, लेकिन जब चुंबक के नजदीक रखते हैं तो क्यों करने लगता है? या फिर कोई मटेरियल चुंबक के जैसा काम क्यों नहीं करता और कोई चुंबक के जैसा काम क्यों करता है? जैसे बात करें हम लोग बार मैग्नेट का, तो वो चुंबक के जैसा क्यों काम करता है? देखिए आप वेक्टर पढ़े होंगे, वेक्टर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो जो अनमैग्नेटाइज सिचुएशंस में होता है, या यूं बोलिए कि नॉन मैग्नेटाइज सिचुएशंस में होता है, जो भी आप बोल सकते हैं, अनमैग्नेटाइज सिचुएशंस बोल दीजिए, नॉन मैग्नेटाइज सिचुएशंस बोल दीजिए, उस समय जो हर एक डायपोल मोमेंट होता है ना वेक्टर ये एटम का, वो ऐसे होता है इस तरीके से, मतलब आर्बिटेरी इधर उधर किसी भी दिशा में छितराया हो रहता है सारा एटम, और इस तरीके से सारा एटम छितराया रहता है ना कि देखिए हर एक एटम, मैं फिर से कह रहा हूं, हर एक एटम का अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, चाहे वो अनमैग्नेटाइज हो, मैग्नेटाइज हो, कुछ भी हो। लेकिन मैं फिर से आपको खिला के कह रहा हूं कि जब अनमैग्नेटाइज सिचुएशंस में होता है, उस समय सारा एटम इस तरीके से ओरिएंटेड होता है, इस तरीके से छितराया हुआ होता है, गांव का लैंग्वेज में बोलते हैं छितराया हुआ, फैला हुआ, कि एक दूसरे के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को बैलेंस कर देता है। अगर आप वेक्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि तीन वेक्टर या चार वेक्टर या पांच वेक्टर जो भी अगर क्लोज पॉलीगॉन ऐसे बनाता है तो नेट वैल्यू नेट रिजल्टेड इसका जीरो होता है। या ऐसे हो सकता है कि कुछ का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इधर तो कुछ का इधर, दोनों बैलेंस कर देगा, ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे। मेरी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रही होगी कि हर एक एटम, मैं फिर से कह रहा हूं, हर एक एटम इस तरीके से फैला हुआ होता है, इस तरीके से फैला हुआ होता है कि एक दूसरे के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देता है, तभी जाके ये अनमैग्नेटाइज सिचुएशंस में होता है। और मैग्नेटाइज सिचुएशंस में यानी जब चुंबक वगैरह के नजदीक लाते हैं लोहा को, या फिर चुंबक जो अपने आप में है वो, उसकी भी बात करें तो उसका एटम का, हर एक एटम का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, ऐसा नहीं कि कैंसिल कर रहा है। जैसे मान लीजिए डायपोल मोमेंट किसी का इधर की ओर है 10 का, और किसी का डायपोल मोमेंट इधर की ओर है 10 का, तो ये 10-10 तो बैलेंस नहीं कर लेगा उल्टा में, तो या किसी का इधर 120 पे 10 का, ये भी आप लोग को पता होगा कि तीन वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का 120 पे होता तो रिजल्टेंट जीरो होता, मैंने भाई बहुत बार इसके बारे में बात करा है, तो ऐसे ऐसे फैला हुआ तो जीरो हो जाता है। तो अनमैग्नेटाइज सिचुएशंस में हर एक एटम का जो डाइपोल मोमेंट होता है, या ये बोलिए कि हर एक एटम का जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होता है, वो इस तरीके से होता है ना एटम्स फैला हुआ अनमैग्नेटाइज सिचुएशंस में, कि सब एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल कर देता, टोटल चुंबक का काम नहीं करता। लेकिन अगर उसे मैग्नेटाइज करते यानी चुंबक के नजदीक लाते, या फिर चुंबक जो अपने आप में है वो,
तो उसमें एटम इस तरीके से होता है चुंबक में या मैग्नेटाइज होने के बाद एटम इस तरीके से अरेंज हो जाता है कि सब एटम का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक तरफ होता है, और जब एक तरफ होता है तो पता है कि वेक्टर जब एक तरफ हो तो कैंसिल नहीं होता, बैलेंस नहीं होता है, जीरो नहीं होता रिजल्टेंट, तो उस समय वो चुंबक के जैसा काम करता है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी, ओके। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहां से साइड हटूंगा, ओके, और साइड हटने के बाद आपको पूरा मॉडर्न व्यू लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, पूरा लिखा हुआ मिल जाएगा पूरा सीट पे, और उसको नोट कीजिए अपने नोट्स में बढ़िया से, मैं साइड हटता हूं, ओके, कर लिए नोट, तो बहुत अच्छी बात है, आप बच्चे आपको समझ में आ गया होगा एक्स्ट्रा टर्म, ऐसे ही पढ़िए सीखते समझिए रहिए, कोई प्रॉब्लम होगा तो हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, हम तो आपके लिए हैं ही हमेशा। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, जय हिंद, वंदे मातरम।